हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एसएससी जेईई मेंस 2017 सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 5A। तो चलिए शुरू करते हैं। Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon। हमारा क्वेश्चन है, अ 6 मीटर हाई वर्टिकल वॉल सपोर्ट्स अ सैचुरेटेड कोहेसिव सॉइल विद हॉरिजॉन्टल सरफेस। द टॉप 3.5 मीटर ऑफ द बैकफिल हैज बल्क डेंसिटी 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड अपरेंट कोहेसिव ऑफ 16 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। The bulk density and apparent cohesion of bottom 2.5 meter is 19.5 kN per meter cube and 18 kN per meter square respectively. What will be the total? Draw the pressure distribution diagram. ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या है, सॉइल जो है कोहेसिव है। ठीक है, कोहेसिव सॉइल है। सी की वैल्यू दी हुई कितना, हमारे सी की वैल्यू है 16 kN पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा फाई का क्या वैल्यू हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू 0। गामा इज इक्वल टू क्या देवा, 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, यानी बल्क डेंसिटी दी हुई है। ठीक है, हमें पता क्या है, पी ए इज इक्वल टू के ए गामा जेड माइनस टू सी अंडर रूट के ए। ठीक है, के इस फॉर्मूले में हम सारे वैल्यू को पुट करते हैं। हमें क्या नहीं पता, सारी वैल्यू उन्होंने, लेकिन के की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो के इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस sin φ अपन 1 प्लस sin φ। ठीक है, 1 माइनस sin φ अपन 1 प्लस sin φ। तो फाई की वैल्यू हमें पता है 0, तो फाई की इस वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे। तो के ए इज इक्वल टू 1 माइनस sin 0 अपन 1 प्लस sin 0 अपन 1 प्लस sin 0। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, है ना। तो 1 माइनस 0 अपन 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। तो हमारी के ए की वैल्यू 1 आ गई, है ना। अब क्या करते हैं इसमें, अब हम वैल्यू निकालते हैं पी ए की। कहाँ पे, पहले हम निकालते हैं जेड इज इक्वल टू 0, यानी एट पॉइंट ए जहाँ पे जेड इक्वल टू 0 होगी, है ना। इस पॉइंट पे हम निकालते हैं क्या, पी ए की वैल्यू क्या होगी। फिर इस वैल्यू को हम, सारी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम में शो करेंगे। ठीक है, तो अभी जेड इज इक्वल टू क्या होगा, 0 पे क्या होगा, पी ए इज इक्वल टू के गामा जेड माइनस टू सी रूट ओवर के। ठीक है, तो सारी वैल्यू को पुट, सारी वैल्यू उन्होंने, जेड की वैल्यू 0, यानी ये सारे टर्म 0 हो जाएगी। तो पी इज इक्वल टू माइनस टू सी रूट ओवर के, तो माइनस टू इंटू 16 अंडर रूट 1 इज इक्वल टू, पी इज इक्वल टू माइनस थर्टी टू किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, है ना। अब हम क्या करते हैं, एट पॉइंट बी, मतलब जेड इज इक्वल टू 3.5 पे हम वैल्यू, पी ए का वैल्यू फाइंड करते हैं एट पॉइंट बी। Z इज इक्वल टू 3.5 मीटर। ठीक है, तो K गामा Z माइनस टू सी अंडर रूट के। तो इस पर हम सारी वैल्यू को पुट कर रहे हैं, K की वैल्यू 1 है, गामा हमारे क्या दिया हुआ था 18 इंटू जेड हमारा 3.5 है, माइनस टू इंटू 16 रूट ओवर 1, है ना, रूट ओवर 1 इंटू 16। तो हमारे इसकी वैल्यू आ जाती है 31 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा 3.5 मीटर पर निकल गया। अब हम आते हैं टू टू सी गामा अंडर रूट के। ठीक है, 2 इंटू 18 इंटू रूट ओवर 1, तुम्हारा वैल्यू आता 1.78 मीटर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ओवर वर्ड परसेंट निकालते हैं सॉइल टू पे जो हमारी ऊपर वाली लेयर सॉइल की थी, उसकी वजह से क्या होगा, 2.5 मीटर वाले सॉइल पे ओवर बर्डन होगा, बर्डन लगेगा जो हम फाइंड करेंगे। तो ओवर बर्डन परसेंट क्या लगेगा, गामा एच। ठीक है, जो एच क्या ऊपर 3.5 मीटर का, तो गामा एच, तो 18 इंटू 3.5 यानी क्या हुआ, 63 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा ओवर बर्डन जिसमें क्यू से यूनिट करते हैं ना, मीटर स्क्वायर। तो चलिए अब निकालते हैं पी बी, निकालते हैं मतलब बी पी एम निकालते क्या होगा, के गामा जेड प्लस क्यू माइनस टू सी रूट ओवर के। चलिए अब इस फॉर्मूला में हम सारी वैल्यू को पुट कर रहे हैं। तो के का वैल्यू हमने फाइंड किया हुआ है 1, है ना। गामा जेड क्या है, ये हमारा क्यू निकल चुका है 63, गामा जेड हमारा क्या होगा, जेड हमारा 0 है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा गामा जेड का, माइनस टू सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा
27 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमारे पीबी फाइंड हो गए, हम पीसी फाइंड करते हैं ना, जब जेड इज इक्वल टू 2.5 मीटर होगा तो पीसी इज इक्वल टू के गामा जेड प्लस क्यू, यहाँ पे ओवर बर्डन प्रेशर क्या होगा सारे में एड होती चली जाएगी, माइनस टू सी रूट ओवर के। तो 1 × 19.5 × 2.5 प्लस 63 माइनस 2 इंटू ठीक है 2 × 18 रूट ओवर ठीक है जी, ये हमारा पीसी वैल्यू आ गया। अब हम क्या करते हैं, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाते हैं। प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम सारी वैल्यू जो भी निकल कर आई है वो सारी वैल्यू को हम इसमें शो करेंगे ठीक है। प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ठीक है, हमने क्या किया है, ये हमारी 3.5 मीटर हो गई, हमने दो सेक्शन में इसे बांट दिया 3.5 मीटर का, ये बॉटम पोर्शन क्या हो गया 2.5 मीटर का ठीक है। ओवरऑल क्या था हाइट हमारी वर्टिकल वाल की 6 मीटर है ना, तो वहाँ पे हमने जेड ओ की वैल्यू फाइंड की हुई, जेड नोट की वैल्यू, ये हमारे टॉप, ये हमारे बॉटम हो गया ठीक है 3.5 मीटर यहाँ पे हो गया। हमने क्या करना है यहाँ पे 1.78 मीटर ठीक है, और z इज इक्वल टू जीरो पे हमारी वैल्यू क्या आई थी, पी ए की वैल्यू 32 माइनस 32, तो मैंने इस डायरेक्शन में 32 हमने लिया है ठीक है। ये हमारा ठीक है, ये हमारा 31 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था। ये ऊपर का पोर्शन जो हमने दिखाया इस साइड, ये हमारा क्या था 32 माइनस 32 था किलोमीटर स्क्वायर। इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिला देंगे है ना, हमने पी बी का वैल्यू एक फाइंड किया था 27 किलोमीटर पर मीटर, ये हमारा कहीं पर 27 यहाँ पे होगा किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर ठीक है। हमने पी सी फाइंड किया क्या 75.5 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, 75.5 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर ठीक है। हम इस वैल्यू को इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे हो गए, तो हमारे कितने सेक्शन हो गए, तीन सेक्शन हो गए। अब तीनों सेक्शन को हम क्या करेंगे, इस सेक्शन के थ्रू हमने क्या फाइंड करना है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया x, जो कि x की वैल्यू क्या होगी 3.5 माइनस 1.78 ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं क्या टोटल एक्टिव प्रेशर ऑन वॉल ड्यू टू सॉइल, तो फाइंड करेंगे टोटल एक्टिव प्रेशर, एक्टिव प्रेशर ऑन वॉल ड्यू टू सॉइल ठीक है। तो क्या होगा, हमें तीनों सेक्शन का एरिया लेना है, एरिया सेक्शन वन सेक्शन टू प्लस सेक्शन थ्री, और तीनों को समीशन कर देंगे ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट सेक्शन हमारा ट्रेंगल है, तो ट्रेंगल में क्या होता है 1 × बेस × हाइट, तो हमारी हाइट दी हुई थी 3.5 माइनस 1.78 है ना, एक्स की वैल्यू हमने फाइंड किया अभी, और हमारी बेस थी 31 ठीक है। सेक्शन टू हमारा रेक्टेंगल है, तो क्या होगा 27 × 2.5, हमारे थर्ड सेक्शन हमारा ट्रेंगल है, तो 1/2 × बेस हमारे क्या दिया हुआ था, हमारी हाइट थी 2.5 और बेस हमारा 75.5 माइनस 27, तो हमारा वैल्यू आता है 26.66 प्लस 128.43 ठीक है। तुम्हारी वैल्यू आती है 155.09 ठीक है।